रेत माफिया चंबल नदी के सीने को चीर कर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। नदी से रोजाना हजारों ट्रॉली रेत निकाला जा रहा है, उसे एमपी सहित राजस्थान, यूपी और दिल्ली में भेजा जा रहा है। वहीं मुरैना में रोजाना रेत की चोरी कर माफिया करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। उनके सामने पुलिस और वन विभाग नतमस्तक है। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि थानों से महज 100 मीटर की दूरी पर अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली की मंडियां लगाई जा रही हैं, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लेकिन पुलिस और वन विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। तो वहीं अवैध उत्खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाया गया है, जो कि खाना पूर्ति मात्र है। अवैध रेत के उत्खनन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इस मामले में मंत्री भारत सिंह का कहना है कि मामले में जानकारी लेकर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मुरैना जिले में लगातार रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है और जो रेत के जो थाने हैं उनके बगल से रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली लग रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जो वन विभाग के अधिकारी वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ प्रभारी मंत्री मुरैना और सुपुर के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, उनसे सर लगातार चंबल नदी के सीना चीर कर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? चंबल नदी ऐसे क्षेत्र से निकली हुई है कि आसपास जंगल का भी घनत्व है और गांवों का भी घनत्व है, इसलिए कई बार ऐसी छुटपुट वारदातें होती हैं कि उस पर प्रशासन कार्रवाई करता है, चाहे फॉरेस्ट वन विभाग हो चाहे खनिज विभाग हो, समय समय पे इसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश स्तर पर करते हैं। मेरे द्वारा भी जब बैठक होती है प्रभार जिले की तो हम लोग भी समीक्षा करते हैं। एक पक्ष नहीं देखना चाहिए, अगर कहीं अवैध उत्खनन हुआ है, किसी ने चोरी छिपे कोई ट्रॉली निकाली है, तो उस पर पकड़ने पे उसकी ट्रॉली को या ट्रैक्टर को वाहन को राजसात करने की कार्रवाई होती है, जुर्माने की भी कार्रवाई होती है। हम चाहते हैं कि अवैध उत्खनन बंद हो, इस पर हम पूरी तरह से नज़र बनाए रखें और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा कि छुटपुट बरदात है वो भी बंद हो जाए। सर अभी उमा दीदी वहाँ आई थी और उसके बाद लगातार उन्होंने ट्वीट भी किया था, उसके बाद माफियाओं ने दो वीडियो जारी किए हैं और प्रशासन और जो सरकार है उसको चुनौती दी है। देखिए विपक्ष तो चिंता करता नहीं है, हमारे सरकार के ही लोग जिम्मेदार बड़े वरिष्ठ नेता भी इस बात की चिंता करते हैं कि कहीं कोई अवैध उत्खनन नहीं हो, इसलिए उमा जी वहाँ दिल्ली निकल रही होंगी। तो उमा जी प्रदेश की बहुत वरिष्ठतम नेता हैं, राष्ट्र की नेता हैं, मुख्यमंत्री रही हैं और उनके संज्ञान में कोई बात आई है तो बिल्कुल उन्होंने ट्वीट किया है, कोई छिपा वाली बात तो है नहीं है, उस पर एक्शन भी होगा। सर 2021 में लेडी अफसर वहां आई थी, उन्होंने लगातार एक महीने में 90 कार्रवाई की थी, 90 वाहन पकड़े और आरोपी को भी पकड़ा था, लेकिन टास्क फोर्स बनने के बाद भी थानों के बगल से रेत की ट्रैक्टर ट्रॉलियां लग रही हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? अगर आपके संज्ञान में ही बात तो मैं मुरैना बहुत जल्दी प्रवास पे जाने वाला हूँ, इस पर जरूर गौर करूंगा। सीसीटीवी है सर हमारे पास, पूरे सीसीटीवी है, मैं मुरैना जाऊंगा, इस बात की समीक्षा करूंगा, अगर ऐसी कोई बात हुई है तो जरूर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, वंसन न्यूज़, ग्वालियर।